क्या कर रहे हो? ये घास काट रहे जी। घास काट रहे हो? ये मटर की है ना? मटर निकल गया इसके बाद का लास्ट का। क्या करोगे, गाय को डालोगे? गाय को डालेंगे। तो प्रीति ने इनवाइट किया काका को भी, आइए और हमारे चूल्हा बनाने मदद कीजिए। मैंने आज सारा इंतजाम कर रखा है। तो पहले बताओ काका, ये चूल्हा बनाने के लिए जगह सही कौन सी रहेगी? हम कहाँ बनाएं चूल्हे को? परमानेंट चूल्हा मिट्टी लिप के बनाना, हमें बाहर बनाना है। यहाँ से एक तो यहाँ बना सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ को बना सकते हैं। अब आप देखो कहाँ को सही रहेगा। ये तो मकान का धुआं लग जाएगा। हाँ, तो मैं कह रहा धुआं लग गया ना इसमें सारा। नहीं तो यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ तो मिट्टी लेप देंगे हम इसके अंदर। तो लो भाई, हमने कुकिंग के बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाए हैं और आज हम आपको दिखाएंगे कि चूल्हा कैसे बनता है, क्योंकि चूल्हा बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर कुकिंग हम चूल्हे पे करते हैं, पर हमारा चूल्हा टेम्पररी होता था, पत्थर वत्थर इकट्ठे की और बन गया। तो आज हम बनाएंगे प्रॉपर चूल्हा और काका हमारी हेल्प कर रहे हैं इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो चूल्हा बना रहे हैं, इसके लिए जो मिट्टी लेके आए हैं, तो वो आपको दिखाते हैं मिट्टी हम कहाँ से लेके आए हैं। ये सर पे क्यों बांधा हुआ तुमने आज? क्या सर पे क्यों बांधा हुआ, ये नहीं बता तुमने? आज सर पे मैंने अपनी ये छोटा सा स्टॉल पहना हुआ है। इस टाइम यहाँ जो हवा चल रही है ठंडी, मिट्टी भी उठानी पड़ेगी सर के ऊपर। बताती हूँ ना, दूसरे जगह पहले मेरा भंडा फोड़ कर देते हो। तो पापा जरा कढ़ाई रख के देख रहे हैं कि साइज कैसा होना चाहिए चूल्हे का। उगी मैं दो दिन से भिगो रखी है मिट्टी मैंने नरम करने के लिए। खान होती है मिट्टी की। हाँ हाँ, वहीं से लाई मैं काका। ये लाल मिट्टी है, ये लाल मिट्टी यहाँ से लेके आई मैं। अच्छा, निकाल के लाए खान वाली। अरे मेहनत करने में हम पीछे थोड़ी ना अटकते काका। गीला कर रहे मतलब इसको पहले। हाँ, उसमें मिट्टी चिपक जाएगी ना अच्छे से। खड़ा लोग तो ऐसे करते ना, हम पहले ऐसे करते थे। हाँ। वो मिट्टी के ही बनाते थे, तंदूरी की। तंदूरी? हाँ, तंदूर। हाँ, तंदूरी। हाँ, तो आपने खाया तंदूरी कभी? हाँ, तंदूरी खाया जी। तंदूरी पर रोटी कितनी अच्छी बनती है, तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी खा के तो मजा आ जाता है। पहाड़ों में बड़ा मिस करते हैं। और तंदूर में तुम अपने वो सलाखों में अपने टिक्का होता ना, पनीर टिक्का वगैरह बना सकते हो। एक तंदूर लेके आएंगे यार। काका से ही बनवाएंगे किस दिन, तंदूर भी है काका। अरे बाजार से लेंगे काका को। हाँ, बाजार में मिल जाता है। खुद का बनाने में ज्यादा मजा नहीं आता। आता है ना। क्या खाया तंदूर में? मोमोज, तंदूरी मोमोज, रोटी खाई। तंदूरी रोटी, तंदूरी रोटी तो बहुत अच्छी बनती है। तंदूरी रोटी की खास बात क्या होती है कि तंदूरी रोटी जब भी आप खाओ ना, एक तो वो बहुत हल्की लगती है, आप तीन खा लो चार खा लो वो गैस नहीं बनती तंदूरी रोटी से, क्योंकि वो आग के अंदर पकी हुई होती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम चूल्हा बना रहे हैं, तो हमने क्या क्या आपको चूल्हे पे खिलाया हुआ है? एक तो हमने भटकी चुटकानी खिलाई थी आपको, और साथ में खिलाई थी हमने आपको लाई का साग खिलाया था। गाजर का हलवा, एक गाजर का हलवा बनाया था हमने, और उसका मावा भी खुद बनाया था। और हमने बनाई थी झोली, झोली के साथ बनाई थी हमने मडुवे की रोटी। तो सारे वीडियो आप देख सकते हो, अपलोड्स में चेक कर लेना। बंद करेंगे, इसके लिए हवा ऊपर पाइप लगेगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, पाइप लगेगा। ये प्रीति ने पूरी आज इंजीनियरिंग सीखी है YouTube चैनल पे किसी का वीडियो देख के। और देखते हैं कि ये चूल्हा कितना कामयाब होता है। चॉपसी मत करा देना मेरी। मैं क्यों करूंगा, बना तू रही है, मैं कोई चॉपसी कराऊंगा। हाँ, एक बार देख लेते हैं, बार बार नहीं देखते।
एक बार देख के दिमाग में ना वो ब्लू प्रिंट आ जाना चाहिए। अच्छा बैठे बैठे ऑर्डर करते रहो, आगे कर लो काम। इतने बड़े घर का नक्शा खुद बनाया मैंने। इधर रखो काका, ऐसे रखो, थोड़ा गैप रखना इसमें। हाँ, इसमें चिनाई अच्छी होगी ना, ज्यादा होगी। सीधा रखो रीट को। ये चूल्हा बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आपको टेक्निक आ गई। और मैं प्रेफर करूंगा कि आप जैसे घर में हो, आपके पास छोटी सी जगह है, आगे छोटा सा आंगन है, तो वहाँ पे भी बना सकते हो चूल्हा। और चूल्हे पे खाना खाने का और बनाने का तो मजा अलग ही है। थोड़ा आंखों में धुआं लगता था पहले चूल्हे में हमें, बट अब जैसे हम चूल्हा बना रहे हैं तो इसमें हम धुएं का जुगाड़ भी कर रहे हैं। तो पहले बूबू अपने स्टाइल में चूल्हा बना रहे थे, पर जो प्रीति ने स्टाइल देखा, कौन सा तो यूट्यूब देखा, तो पाकिस्तानी वो था ना? हाँ, कोई पाकिस्तानी बंदा है, कोई पाकिस्तानी बंदा भाई, क्या वो चूल्हे बनाता है? और कई कई तरह के चूल्हे बनाता है। तो जो चूल्हा प्रीति ने सीखा आज वो बूबू को भी सिखाएगी। एक ईट और है यहाँ पे देखना पीछे आपके, इधर तो नहीं है। ये देखो हमने दो ईट ऐसे टोटल चार हो गई है लंबाई में, चार ईटे लगा दी। बंद करके लिपाई जाएगा ना? हाँ, लिपाई होगी। आगे इसके मुंह पे वो आ जाएगा ना? और ये मिट्टी इतनी स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसमें इतनी पकड़ है, जैसे ईंट लगाते हैं और मिट्टी लगाते हैं चिपक जाती है एकदम वो। तो इतने एक सरिया भी लगा दिया है इसके बीच में, इस सरिया क्या काम करेगा आगे देखेंगे। तो बूबू इसको अंदर से लीप रहे हैं। पूरी इंजीनियरिंग हो रही है, मजाक थोड़ा ना। ये मिट्टी देख लो कितनी काम आ गई, दीवारों पे भी हो रही है हमारी और हमारे चूल्हे बनाने में भी काम आ गई। तो ढोके भी तो मैं ही लाई थी। अच्छा वीडियो है मेरे पास, कौन लेके आया था उतार के? ढलान है, ध्यान से ब्रेक लगा के। मैं ज्यादा लेके आई थी। अब आई पहाड़ी वाली असली फीलिंग, सर पे रख के कट्टा। चलो भाई चलो, मैं आ रहा ब्रेक लेके आ रहा हूं। चलो चलो रे, चलो वार हो रही से चूल्हा भी बनाना घर जाके। तो ये बता रही कि मिट्टी कितने काम आ रही है, दीवारों पे भी लिपाई कर दी है। तो कितनी बढ़िया बात है यार कि नेचर में सब कुछ मिल जाता है। मिट्टी से काम कर रही है। आज हाची की थोड़ी सी तबीयत ढीली है क्योंकि रात को खाना खाया उसके बाद इसने उल्टी कर दी थी। ये कह रहे चूल्हे का खाना खाऊंगा मैं। रोशन को बड़ा वेट था चूल्हा बनाने का, मेरे से कई बार कह चुका था आंटी मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा। मैंने कहा तेरे को आता है बनाना? मेरा नाम रोशन है। हाँ भाई, और कितनी दूर रह गया ये बता, और कितनी दूर जाना? अब यहीं पर ही है। कहता हम तो अपने घर में खुद ही बनाते हैं, सुबह सुबह आग भी मैं ही बालता हूँ चाय बनाने के लिए अपने घर में। बाल तो बहुत बड़े काटे यार तूने, ये घर में काटेंगे अपने आप? दीदी ने ये बना दिया तेरा तो। बेटा शुभम हेयर कट कराना हो ना अंकल के पास आ जाइयो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। मैंने किया था लॉकडाउन में, किया था लवे का लॉकडाउन में, मैं पूरा हेयर कट किया था, बहुत बढ़िया। ये मेरा एक और टैलेंट है। देखो कितनी मिट्टी लगी, आप कह रहे थे थोड़ी सी मिट्टी में काम चल जाएगा, अब जो काम ने सही ढंग से नहीं होता वो मैं ही बताता हूं। तीन गट्टे भर लिए, नहीं तो मिट्टी कम पड़ जाती, फिर जाना पड़ता मुझे। आप बहुत दूर से मिट्टी लाए। हां उठा के टावर के वहीं से कंधे पर उठा के लाया था मैं कंधे। गुलाबी आंखें जो देखी तेरी, शराबी ये दिल हो गया। कभी आपको याद होगा बचपन में जब किसी जगह पे प्लॉट खुद रहा होता था तो वहां पे हम क्या करते हैं, गारा बनाते थे थोड़ा सा पानी मिला के ना उसके अंदर, और उसके लड्डू बनाते थे, मिट्टी के लड्डू बनाते थे। और फिर उसके बाद हम खेलते थे, जैसे दो टीम बढ़ जाती थी और मिट्टी के लड्डू मारते थे एक दूसरे के ऊपर। तूने खेली लड्डू मारने वाली गेम? क्या मिट्टी के लड्डू मारे कभी? हम तो खा लेते थे जुट्टी मुट्टी। हम पता क्या करते थे, हमारे घर में मनी प्लांट होता था ना दादी के घर में, तो मनी प्लांट के पत्तों का पान बना के पान वाली गेम खेलते थे हम। सोचते थे पान बना लिया हमने, बड़ा स्वाद लगता था। और आज तक नहीं पता, बचपन से ही शौक पाल रखा था ना पान आन खाने का। वाकई में मनी प्लांट के पत्ते खाने का फायदा होना चाहिए कि नुकसान, ये नहीं पता, पर बचपन में खा लिए थे हमने। सीधा काम भी किया था कभी? सीधा काम ये क्या, अब तो ब्याह कर लिया। देखो भाई कोई बीबी अपने मुंह से बोल रही हो कि सबसे बढ़िया काम किया है, उसने मुझसे शादी कर लिया अपने हस्बैंड से, क्या है? है ना? तो मैं तो बोलूंगी भाई, सीधा चौड़ा करके बोलूंगी। सुनो जी मेरी सासू माँ जी सुन लो जरा, मेरी बीबी क्या बोल रही है और आपकी बेटी क्या बोल रही है। मम्मी
मम्मी को सुनने की जरूरत ही नहीं है, मम्मी को मेरी हर एक बात में अंदाजा आ जाता है। अंदाज आ जाता है। आपके पिताजी आए थे, वहाँ पर देखे, हम लोग घूमने आए थे, उधर को घूमने आए होंगे। अच्छा, तेरे पापा कहाँ चले गए? वहाँ पे काका को मिले होंगे, बुबू को क्या होगा? पहिए लगे उनके पैरों में, घूमने आए थे गाँव। वो तो फिर सब जगह घूमते, एक बार आ गए ना, वो बैठते नहीं है घर में। देखो कितना अच्छा हो गया लिपाई, ऐसे ये लगा दिया, ठीक है, इसको बाद में हम निकाल देंगे जब ये सूख जाएगा, है ना। चलो लगाओ, करो करो, तुमने देखा ना, तो लगाओ। हाँ। कर, अब इस पर कारीगरी इतनी, ऐसे करना। काका आज परेशान हो रहे हैं, देख रहे हैं ये किस तरह का चूल्हा बन रहा है। प्रीति ने बनाया चूल्हा, बहन जी ने बहुत पहाड़ में। इन्हें काका यूट्यूब पे ना देख देख के ना पता नहीं क्या क्या इंसान बना रहे हैं आजकल। अरे इंसान सब सीख लेता है, चाह होनी चाहिए मन में बस। हाँ। यहाँ थोड़ी ना हम मोटी गाढ़ी मिट्टी लगाएंगे, है ना, ताकि ये टूटे ना, ज्यादा पतली लगा देंगे तो गिर जाएगी, है ना। लकड़ी कैसे डालेंगे, कहाँ से डालेंगे? ये डब्बा बाहर आ जाएगा सूख के, इसको बाहर निकाल देंगे, फिर यहाँ लकड़ी डालेंगे, वो गोला बन जाएगा ना। अच्छा, अप्रीति की कारीगरी स्टार्ट हो गई है, यूट्यूब देखिए, और बुबू ने हाथ धो लिए हैं, क्योंकि बुबू ने बेस तैयार कर दिया है। बुबू ने बेस तैयार कर दिया है। बुबू धन्यवाद आपको बहुत बहुत। अरे हम तो आपसे ही सीख रहे हैं। तो ये हो कह रहा है कि प्रीति ने इसमें इसके मुंह पे एक बाल्टी लगा दी नीचे यहाँ पे चूल्हे के मुंह पे, और ये जब भी ये पूरी मिट्टी थोड़ी सी पकड़ लेगी तो हम उस बाल्टी को निकाल देंगे, तो वो चूल्हे का मुंह बन जाएगा जहाँ से हम लकड़ी डाल सकते हैं अंदर। और सारी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल्स हैं इसके अंदर, और जैसे जैसे प्रीति वो अपनी साइंस को शेयर करेगी हम आपको दिखाते जाएंगे। पहले तो बन जाए यार, किस तरह से विश्वास रखो, शेयर फिर करो। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। कुछ ये सोचेंगे कि मेरे को हेल्प करनी चाहिए प्रीति की, बट अगर मैं प्रीति की हेल्प करूंगा, अपने हाथ सान लूंगा मिट्टी के अंदर, तो ये कैमरा कौन पकड़ेगा? तो मैडम ये सिंगल चूल्हा बना, डबल चूल्हा बन रहा है? ये है सिंगल चूल्हा। अच्छा अच्छा, वैसे पहाड़ों में डबल चूल्हा भी होता है। हाँ, एक तरफ तुमने चावल रख दी, एक तरफ दाल रख दी। हाँ, ये तो है, लेकिन हमारा सिंगल भी बहुत है, हमारा सिंगल चार के बराबर होगा, देखना। मेरे को तो भूख लगनी शुरू हो गई यार अभी से। क्या बनाएगी सबसे पहले चूल्हे पे? सबसे पहले बनाऊंगी हलवा, सूजी का सूजी और मीठा मीठा। भाई क्या आ जाता है कि जब तुम कोई भी नई चीज की शुरुआत करो तो उसको मीठे से करनी चाहिए, हमारे समाज में ये बात बहुत प्रचलित है, तो इसलिए जब हम पहली बार इसमें कुछ बनाएंगे तो फिर पहले बनाएंगे हलवा, उसके बाद फिर आप बता देना आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या खाना। चलो हमारे व्यूवर्स बताएंगे कि आपको चूल्हे पे क्या क्या खाना है, और आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। अब देखो प्रीति कुछ कर रही है, अंदाज ले रही हूँ। ये पाइप होगा धुएं वाला, मेरा धुआं निकलेगा इसमें से। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पाइप है, क्योंकि धुएं से बहुत प्रॉब्लम होती है जब भी हम चूल्हे पे बनाते हैं, तो हाँ व्यूवर्स बोलते हैं कि उसके डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए वैसे होनी चाहिए, जो विंड की डायरेक्शन है और साथ में चूल्हे की जो डायरेक्शन है। तो हमने जो अपने पाकिस्तानी भाई हैं उनका जो चूल्हा देखा हमने, तो ये अच्छा लग रहा हमें सिस्टम, लग रहा है कुछ बन जाएगा। तो लॉजिक ये है कि ये जो है वो चिमनी है धुआं बाहर निकालने के लिए, पर ये प्लास्टिक है, तो अगर हम चूल्हे में आग लगाएंगे तो जल जाएगा। ये टेम्पररी सोल्यूशन है, इसको हम लीप के पूरा इसको थोड़ी सी इसकी चिमनी बना के जब ये हल्की सी ऐड जाएगी ना मिट्टी, फिर इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, इसको ट्राई करते हैं भाई। गलती भी हो सकती है, हो सकता है कोई एक्सपर्ट देख रहे हो कह रहे हो भाई ये गलत कर रही है प्रीति मैडम, यहाँ से ऐसे नहीं होएगा ये, पर फिर भी ट्राई तो करना ही पड़ेगा यार पहली बार में। ये क्या रखती है? ये लैंटर पड़ रहा है, इसका शटरिंग हो रही है। अच्छा, और ये वो कहाँ आएगा? हम कढ़ाई का रखेंगे कढ़ाई हमारी आएगी, जगह कम नहीं पड़ेगी कढ़ाई के लिए, इस एरिया में। देख दिखाओ, नाप के देखो, देख नापो, पकड़, गिर जाएगा, मेरे हाथ गंदे ना, तो कोई बात नहीं कढ़ाई धुल जाएगी, मैं छोड़ दिया तो। ये देखो है तो सही बहुत।
तो यहाँ शुभम हमें हेल्प कर रहा है थोड़ा सामान अरेंज करने के लिए, मिट्टी डालने के लिए। थोड़ी पतली हो गई है ऐसा लग रहा है। तो बिना हेल्प के पहाड़ में कोई काम होता नहीं है। मैंने सोचा था उतनी मिट्टी में बन जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी और मिट्टी डालनी पड़ेगी हमें। तो बुबू बता रहे हैं बारिश साथ आने वाली है, कुछ ढकने के लिए तैयारी कर लो। जरा हम भी जरा देखते हैं क्या ढक सकते हैं इसको, क्योंकि अभी गीला है। हो गई? अरे यार कमाल हो रहा है यार, झूला बन रहा है ना हमारा, इसलिए भगवान मेहरबान। वाह भगवान खुश हो गया। आज बहुत टाइम बाद ये बूंद पड़ी है बरसात की, और कितने कई महीने हो गए। तो आज चूल्हा बनने की खुशी में भगवान भी खुश है। तो जरा हम जरा इसको ढकने का इंतजाम करके आते हैं। देख किससे हो जाएगा, है ना इससे। हाँ सही सही जुगाड़ बताया भाभी जी ने। टेबल रख देना। बता रहे हैं ये टेबल है, टेबल को भी रख सकते हैं हम। सारे जुगाड़ है पहाड़ में। और देखो कितने पहाड़ की जो औरतें होती है कितनी स्ट्रांग होती हैं। देखो कितनी सारी घास है ये लेके जा रही है। देखो जरा अभी पता है कहाँ जाएंगे तुम्हें, ये वो पीछे जो गांव है ना जहाँ पे हमने दिवाली का व्लॉग दिखाया था, तो वहां जाएंगे शायद आपको यहाँ से दिखे भी। वो वहां पे आपको एक येलो कलर का घर है कोने में, ये पूरा क्रॉस करके वहां जाएंगे। बुबू ने भी उठा लिया अपना सामान। ओके बाय। पहाड़ी में कुछ बोलते हैं ना जब जाते हैं तो क्या फिर मिलेंगे क्या बोलते हैं फिर। हाँ हाँ हेट क्या था, बारिश आ गई सच में, भगवान मेहरबान हो गया तो। बारिश भी हो गई। ध्यान से अटक गया क्या, देखो अब आ रही है ना गोलाई। तो ये ऑलमोस्ट पूरा बनने वाला हमारा भाई, फिनिशिंग थोड़ी बहुत रह जाएगी तो वो तो हम करेंगे क्या इसमें से ये इस बाल्टी को घुमा के निकाल देंगे। और ये जो एरिया है यहाँ पे आएगा तुम्हारा जो चूल्हे की जो कढ़ाई वढ़ाई आएगी, और यहाँ से अंदर से हम डालेंगे आग, मतलब यहाँ से लकड़ी डालेंगे अंदर हम। और यहाँ से सेक आएगा और यहाँ से निकलेगा धुआं, जो की कर रही है कितने ना पिघलते हम, बारिश दो चार बूंद पड़ भी गई तो कुछ चूल्हा ना पिघल जाए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। चूल्हा मोम है, आग मिट्टी है, निकल जाएगा। मैं कह रहा हूँ फटाफट बना ले चूल्हा भाई, बरसात पड़ रही है हमें इससे पहले भैया ये चूल्हे की जो मिट्टी वो हो जाए, अभी जमा नहीं है ये। अब टाइम तो लगता है ना, बट ठीक है थोड़ी ना। आज प्रीति चौधरी है, चौधरायन है क्या बोलते हैं, चौधरी क्यों चौधरायन है प्रीति आज। काम करे दूजा क्रेडिट ले लो अपना। अरे यार ऐसी बात कर दे रही है, मेरे को लगा तुम्हारी आदत है जो हर काम में क्रेडिट लेने की। किसकी बात कर रहे हो, इशारा किसकी तरफ। अरे यार एक बार समझ में आ गई, बता नाम भी बता दे। अच्छा नाम बता दे एक बार नाम बता दे एक बार। नहीं तू बताएगी, मन तो मेरा है बताना फिर। मन तो मेरा किसकी बात कर रहे हो आप बताओ। नहीं बता नाम, मैंने एक बार बता देखो आज प्रीति ने बोल ही दिया तो सही बात है जी। चौधरी सारे हरियाणा वाले। देखा अभी तक मैं क्रेडिट ले रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी मतलब मैं क्रेडिट ले रहा था तो कह रही बचपन से आता था क्रेडिट लेने की। अब जब मैंने बोला ना सही बताया कौन क्रेडिट लेता है, तो देख पापा का नाम मुंह पे आती है अब तो चौधरी होते ऐसे ही है। उनका सर तो आएगा ही, आप सबको जानते हो इस बात। ठीक है भाई ठीक है, मौका मिले वहाँ पार्शियलिटी ले लेना चाहिए अपना क्रेडिट। अब इसको कढ़ाई को उठाते हम, है ना गोल कर दिए ढंग से। तो भाई चूल्हा अपना पूरा रेडी हो चुका है, अब थोड़ा फिनिशिंग होगी इसके ऊपर। और मेरे कपड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी मेहनत हुई यार चूल्हा बनाने में। चलो कोई नहीं, कभी मेहनत भी करनी चाहिए कभी।
यहाँ तो रोज ही हुई ठहरी। अच्छा पहाड़ी में तो यार फिर मेहनत से क्या डरना। बल मैंने कभी बचपन में अपनी दादी को देखा था चूल्हा बनाते हुए, वो बनाती थी। चलो अभी कहानी शुरू होगी फिर दोबारा इसकी। अब आप कहानी सुनाओ। वो ठीक है, मैं बोलूं तो कहानी शुरू होगी तेरी। चलो भाई बताओ सारे कमेंट करके किस किस की दादी ने चूल्हा बनाया था। अब पूछ ही लेते हैं। ये तो कह रही मेरी दादी ने बनाया था, इसके दादी गोबर भी लीपा करती थी, इसकी दादी चूल्हे बनाया करती थी, और दादी तरह क्या 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 करती थी, और तेरी दादी क्या 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 करती थी, और जुबान फिसल गई। भाई ससुराल की बात कर रहे हैं, जो कौन है हरियाणवी बोलनी, इसी बात ना करे, सब बोल सकता हूँ मैं। पता लग गया, जो हमारे समझने वाले समझ जाएंगे। बहुत चो चो मुझे, और तू पंजाबी बोल के बता फिर। अब मैं ऐसी गलती पकड़ता हूँ, बता पंजाबी बोल के। मैनू तो सारी आंदी है। मैं ये कह रही हूँ, जब मेरी मम्मी का ब्याह होया ना, जब मम्मी गांव में आई ब्याह के, सुन लो भाई, मेरी दादी के घर, जब हमारे घर गाय भैंस सारी चीज होया करती थी, गंडासा भी होया करता था, न्यार काटन का। अच्छा अच्छा, सारी चीज। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। अच्छे साढ़े पंजाबी विच ना असि कहने आ भी असि अपने मुंह ना मियां मिठू नहीं बंदे। ए मुंह मियां मिठू वाली की गल हो गई है विच। मैं दसदी भी हां, मेरे दादी घर भी इंज दा काम, दादी दे घर भी इंज दा काम होया होया सी। इंज दा काम होंदा सी। ठीक है यार, आप बैठो ना भाई। बहुत मेहनत लगी यार, सही में बहुत बहुत मेहनत लग रही है ये चूल्हा बनाने में। अच्छा तूने बनाया भाई, तेरी लग रही है, मैं नहीं कह रहा कुछ भी यार, क्योंकि डर गया मैं यार आज। अच्छा ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा, तू बता दे यार, तू बता अच्छी से। क्या बताऊँ, बता इसकी वर्किंग, बता इसकी। अब चूल्हा ऑलमोस्ट बन चुका है, मुँह इधर कर ले। अब मुझे लगता है कि मेरा चूल्हा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, बन चुका है। अब मेरा चूल्हा और जाए थोड़ा यार। भाई और बहनों, चूल्हा हमारा बन चुका है। अब इसका फाइनल टच ये रह गया है कि एक तो हमें ये प्लास्टिक का पाइप बाहर निकालना है, इसमें एक टास्क ये है, और दूसरा टास्क है ये बाल्टी जो है जिसको हमने राउंड शेप दिया ना लकड़ी डालने के लिए अंदर, इसको भी बाहर। तो लकड़ी यहाँ से जाएगी अंदर। हाँ, लेकिन मैं कढ़ाई कहाँ जाएगी पहले बताओ, कढ़ाई कहाँ रखोगे? कढ़ाई रखेंगे हम यहाँ, तो यहाँ पे सेक लगेगा, आग जलेगी, यहाँ आग जलेगी, ये पिपा इसका ऊपर, ये मुंह से यहाँ से धुआं निकल जाएगा, ये धुआं निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लकड़ी अंदर जाएगी। और इसका सही एक्सपेरिमेंट तब होगा जब मैं इस पे मीठा मीठा हलवा बना के आप लोगों को खिलाऊंगी, ठीक है। चलो मैं भी बोल देता हूँ यार। तो यार चूल्हा पूरा बन चुका हमारा, थोड़ी सी चेक कर रही है कि अभी थोड़ा सूखने देते हैं इसको हम, क्योंकि सूखेगा नहीं तो बाल्टी निकालेंगे तो गिर जाएगा, और उसके बाद ये पाइप है ये थोड़ा सूख के इस पाइप को भी निकाल लेंगे, और उसके जगह कोई लोहे का पाइप मिल जाएगा तो मैं लोहे का पाइप लगा दूंगा, क्योंकि नहीं तो वो क्या होगा कि जब आग जलाएंगे तो पाइप है वो जल सकता है, और नहीं तो इसकी हम कहेंगे इसकी मिट्टी से मीनार बना देंगे, उस पाइप को निकाल लेंगे। थोड़ा सा ये और टाइट हो जाए ना मिट्टी, फिर मैं अपने व्यूअर्स को निकालते हुए भी दिखा सकती हूँ बाल्टी। होपफुली आपको ये चूल्हे का वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा छोटा सा प्रयास था चूल्हा बनाने का, मतलब मन था मेरा बहुत ज्यादा कि यार पहाड़ों में रह रहे हैं, टेम्परेरी चूल्हे की बजाय हम परमानेंटली अपना एक ऐसा चूल्हा बना दे जो हमारे बहुत काम आने वाला है फ्यूचर में। हाँ, इसमें तंदूर रोटी बन जाएगी, इस पे चूल्हे रोटी बन जाएगी ना। हाँ, बन जाएगी। बस फिर अब तू बनाएगी और मैं खाऊंगा। तो लो भाई, बारिश का मौसम हो चुका है, मौसम सुहावना हो गया है, और थोड़े से तो हमारे आड़ू भी पकना स्टार्ट हो गए हैं। अभी तो साइज आएगा इसके अंदर, हल्की सी लाल गियाने स्टार्ट हो गई है। अब ये थोड़ी सी टाइट हो गई है मिट्टी, तो मैं धीरे धीरे प्रयास करती हूँ इसको निकालने का। जय माता दी, जय माता दी। तो कितनी खुशी हो रही है। बोल भी दिया करो, कभी नहीं बढ़िया। चलो भाई ये बन चुका है, इसमें यहाँ से हम डालेंगे लकड़ी, ठीक है, यहाँ रखे कढ़ाई, और इसमें से निकलेगा हमारा धुआं। हम क्या करेंगे, इस प्लास्टिक को ऊपर तक मिट्टी से चीन देंगे, जिससे क्या होगा ये प्लास्टिक गर्म नहीं होगा, सिर्फ धुआं देने के लिए चिमनी का काम करेगा।